हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें क्या करना है रेडियस निकालना है किसी सर्कल का, और ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो पहले ये समझिए, जब अगर कभी भी हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है तो हमें पहले रेडियस ऑफ सर्कल का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी एफ सी क्या है, अब हम लोग को ये बताते हैं। अगर आपको ये पता करना है तो पहले आप जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन किसका, सर्कल का, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे जी एफ सी है, यही यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन का वो इक्वेशन दोनों कंपेयर करके हमें जी एफ और सी निकालना होगा, पुट करेंगे हमारा रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले एक चीज़ और करना होगा कि जो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना, वो हमारा क्या होगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स और वाई का जो है स्क्वायर का कोफिशियंट हमारा वन है, तो हमें वन बनाना है इसे। तो वन बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, इन सब को पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, हम फोर से डिवाइड करेंगे। जब हम फोर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, फोर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा माइनस, ट्वेंटी करेंगे फोर से तो फाइव हो जाएगा, तो फाइव एक्स हो जाएगा, ट्वेल्व को करेंगे तो थ्री हो जाएगा, थ्री वाई हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन करेंगे फोर से तो फिफ्टीन बाई फोर बराबर जीरो हो जाएगा, ये हो गया। अब कंपेयर कर दो इसे और इसे, कंपेयर करोगे तो हमारा जी और वाई और सी निकल जाएगा, सॉरी जी एफ और सी निकल जाएगा। तो देखो टू जी बराबर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस फाइव है, माइनस फाइव, जी बराबर हो गया माइनस फाइव बाई, ठीक है, जी बराबर हो गया माइनस माइनस फाइव बाई टू। तो यहाँ पे टू जी और यहाँ माइनस फाइव बराबर हो गया, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस फाइव है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू जी है, तो दोनों कंपेयर करते हैं तो जी निकलेगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, टू एफ बराबर थ्री लिखेंगे, एक वाई का कोफिशिएंट है, वाई बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो सी बराबर क्या है, सी बराबर हमारा क्या है, माइनस 15 बाई फोर आएगा, जी निकल गया, एफ निकल गया, सी निकल गया। अब पुट करना है, तो पुट करते हैं, तो देखो जी का स्क्वायर मतलब माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर मतलब 25 बाई फोर हो जाएगा, ये अंडर रूट होल सब में, ठीक है। एफ का स्क्वायर, एफ है यहाँ पे, एफ का स्क्वायर 3 बाई टू का स्क्वायर मतलब 9 बाई फोर हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 15 बाई सबका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, हम क्या करेंगे सीधा जोड़ देंगे 25 और 15 40 और 4 49 बाई सॉरी 9 49 बाई 4, ये हो गया हमारा अंडर रूट में। तो रूट से निकालेंगे तो 7 बाई 2 आएगा। अब 7 बाई 2 को करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3.5, क्या ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 3.5, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, अगर आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।